नमस्कार, आप देख रहे हैं डी एस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इमामुल आपके साथ। आइए हम आपको बताते चले, नगर पंचायत जैतपुर के वार्ड रईस कटरा में बरसों के बाद इंटरलॉकिंग टाइल का कार्य शुरू ही हुआ था। और हम बताते चलें कि ठेकेदार विपिन कुमार ने उसको खुदवाया और कई महीने बीत गए हैं, अभी तक कोई भी कार्य को आगे नहीं बढ़ाया गया है। इतनी धीमी से काम कर रहे हैं जिसमें ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभासद ताहिर अंसारी ने जब ठेकेदार विपिन कुमार से बात की तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिर यह दिक्कत कब तक की रहेगी? और हम बताते चलें कि वाटर सप्लाई भी टूट गई है, उसे भी अभी तक ठीक नहीं करवाया गया है। कई महीने से ऊपर हो रहा है, ज़रूरतमंदों को काफ़ी दिक्कत होती है। आए दिन ही रास्ते में किसी न किसी की गिरने की खबर आती रहती है, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखना यही है कि कौन है इसका जिम्मेदार। ठेकेदार की आई लापरवाही सामने। फिर हाल के लिए देखते रहिए हमारे डीएस न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट। देखो भाई, ये खड़ंजा तकरीबन 1.5 महीने पहले से खुदना शुरू हुआ था। अगर ये बनना चाहता तो 15-20 दिन में बन सकता था, लेकिन लापरवाही की वजह से हम लोगों को दिक्कतें दुश्वारियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। बार बार हम ताही मेंबर से भी कह रहे हैं, वार्ड नंबर 9 के मेंबर हैं उनसे भी कह रहे हैं, वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं उनके पास, विपिन ठेकेदार हैं, लेकिन वो जो है सही जवाब ही नहीं दे रहे हैं। या आज कई दिन से हम बराबर कह रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर हमको काफ़ी दिक्कत हो रही है। नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अपनी गाड़ी हम दूसरे के यहाँ खड़ी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैन वाटर सप्लाई है, उसको भी तोड़ दिया था। हमने कहा था उसको बनवा दो, तो उन्होंने फेविकोल लगा कर जोड़ दिया, फिर पानी चल रहा है। अपनी मैन लाइन की जो हमारे घर की थी उसको भी तोड़ दिया था, लेकिन उसको हम पानी दिक्कत ज़्यादा होने की वजह से पानी रास्ते में चाला होता था, तो अपने हाथ से हमने उसको बनाया। और इस वजह से हम अपील कर रहे हैं कि इसको जल्द अज जल्द बनवाया जाए, वरना हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर नहीं बनवाना था, जबकि मेंबर साहब ने ये कहा था अगर अभी जल्दी ना बनवा सको तो ना बनवाओ, ऐसे जैसे काम चल रहा है। बताओ, 1-15 दिन का काम है, 1.5 महीने हो गए हैं। ठेकेदार से बकराईद से पहले हमने कहा था कि क्या बात, कब तक हो जाएगा, तो कब बकराईद हो जाएगी, उस पर तुरंत फिर काम लगा दिया जाएगा। बकराईद के 15 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी कोई अता पता नहीं है। बराबर हम रोज़ाना ताहिर मेंबर को कहते हैं, लेकिन अब वो उनके पास फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाता है, बात करता है, आज काम लगेगा, कल काम लगेगा, लेकिन लग नहीं रहा है। और हमारा बिल्कुल बीच में घर है, हमको तकलीफ़ होती है। रात हम निकलते हैं तो उस दिन बच गए, मतलब गिरने का खतरा भी होता है। इस वजह से इसको जल्द अज जल्द बनवाया जाए, इस बात को ज़्यादा आगे से आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो रास्ता ख़राब है सर जल्दी बने। आदमी यहाँ है, घूम के जाना पड़ता है दुश्वारी की बिना पर। ठीक है, इसकी मैं अपील कर रहा हूँ और जितनी भी कर रहा हूँ उसको जल्दी से जल्द बनवाया जाए। खड़ंजा गड़बड़ था, तो नाली बनवानी थी, तो अप्लीकेशन डाला गया था वहाँ टाउन हॉल में। तो अब ये रास्ते के लिए था, खुद के बन गया, नाली बन गई है, लेकिन नाली के ऊपर पत्थर नहीं पड़े हैं, तो उसको जल्द अज जल्द बनवाया जाए। और आगे हमारा घर है, घर में मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी अपने दूसरे घर में खड़ी कर रहे हैं, दूसरे मकान में खड़ी कर रहे हैं, इस वजह से इसको जल्द अज जल्द बनवाया जाए। राहगीर को बहुत दिक्कत होती है, निकलने वाले को परेशानी होती है, लोग हमसे शिकायत करते हैं कि उसको जल्द अज जल्द बनवाओ। इस वजह से मैं अपील करता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द बनवाया जाए, वरना बहुत दिक्कतें आ जाती है। बारिश के मौसम में बहुत दुश्वारी होती है, बहुत परेशानी होती है।